नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं निकोन B500 SLR कैमरे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसको पॉइंट टू शूट कैमरा भी कहा जाता है, जिसकी कॉस्ट लगभग 14,000 रुपये के आसपास, 14,000 से 15,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। यदि कोई सेल वगैरह चल रही है तो आपको 14,000 रुपये के आसपास अप्रोक्सीमेटली पड़ जाएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों YouTube पर ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी सारे रिव्यू पड़े हुए हैं B500 के, लेकिन उन रिव्यू को देखने के बाद ये नहीं पता चलता कि एक्चुअल में ये कैमरा है कैसा। क्या हमें ये कैमरा परचेज करना चाहिए? यदि आप एक यूट्यूबर हो या फिर आप एक ब्लॉगर हो, तो क्या आपको ये कैमरा परचेज करना ठीक रहेगा? क्या यूट्यूब के लिए ये कैमरा ठीक रहेगा? यदि आपको वीडियोग्राफी का शौक है, यदि आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो ये कैमरा आपके लिए परफॉर्मेंस दे पाएगा क्या? तो आज तक मैंने जितने भी यूट्यूब पर निकोन B500 के रिव्यू देखे, वो सिर्फ इसकी जूमिंग कैपेबिलिटी को दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जूमिंग कैपेबिलिटी को ही दिखाते हैं। सो गाइज, आज जैसा मैं आपको रिव्यू दिखाने वाला हूँ, वैसे रिव्यू आपने नहीं देखा होगा। सो गाइज, प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये कुछ इस तरीके का बॉक्स है। ये हमारा बिल है, इसमें हमें 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिला है, और जो 40 रुपये का डिस्पैच कुरियर डिस्पैच होता है, वो भी हमारा यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ इसकी पैकिंग दी गई है, तो हम इसको काट लेते हैं। तो इसके साथ में यहाँ पर ये चार्जर मिलता है, और ये आपको 4 बैटरीज मिलती है, जिससे कि आप चार्ज करके अपने कैमरे को रन कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो है वो पावर केबल मिलता है। ये देखिए, ये चार्जर, और यहाँ पर ये डिस्प्ले में रीडिंग दिखाएगा, और यहाँ पर हमें इनपुट वायर कनेक्ट कर देनी है। ये देखिए, इसके साथ में हमें एक ये HDMI केबल मिली है, ये मिनी डी टाइप जो है HDMI केबल है। आप इसे अपने कैमरे से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपके पास स्मार्ट टीवी है, LED है, उससे आप इसको कनेक्ट करके डायरेक्ट व्यू ले सकते हैं। तो भाई, इसके साथ एक हमें ये यहाँ पर जो है बैग दिया गया है, ताकि आपका जब काम ख़त्म हो जाए तो आप इसको कैमरे को अपने इस बैग में रख सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। तो भाई, ये कुछ इस तरीके से कैमरा है, और अभी देखिए इस कैमरे की जो है कि काफ़ी सारी वीडियो पहले से ही अवेलेबल है YouTube पर, तो हम आपको बता देंगे कि देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ हटके बताने वाले हैं, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो YouTube के पर्पज़ से मैंने ये कैमरा परचेज किया है। तो एक आपको इस वीडियो में कुछ हटके हम बताने वाले हैं, बिल्कुल हटके, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो मैंने ये कैमरा परचेज करने से पहले देखी थी, तो सिर्फ जूम करके ही दिखाया गया था कि इसकी जूमिंग पावर अच्छी है, और सारी चीज़ें इसकी नहीं बताई गई, जैसे लो लाइटिंग में किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है, वीडियो बैकग्राउंड ब्लर करता है नहीं करता है, अगर आप इससे स्टिल इमेज पर कैप्चर करते हैं तो वो वहाँ पर ब्लर करता है या फिर नहीं करता है, तो इसकी फोकसिंग किस तरीके की है, उस सारी डिटेल में हम जाने वाले हैं, और वो आपको बताने वाले हैं, जो कि किसी भी टिल डेट किसी भी रिव्यू में, अनबॉक्सिंग में आपको देखने को नहीं मिला होगा। वो सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको यूज करके आपको ये भी बता देंगे कि आपको ये कैमरा परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए, हम इसको जो है वो सील को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस, इसके अंदर कुछ इस तरीके से इसका मैनुअल मिलता है, ये इस तरीके से इसका कुछ मैनुअल दिया गया है कि आप इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड भाई, यहाँ पर ये आपको एक ये कूलपिक्स की स्ट्रिप मिलती है,
जो कि आप अपने कैमरे के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ताकि आप कहीं पे घूमने जाए तो आप इसको गले में डालकर जो है वो फ़ोटो क्लिक कर सकें। और इसके साथ में एक ये इसका कैमरे का लेंस कवर मिलता है, जिससे कि आप काम होने के बाद आप इसे जो है वो लगा पाएँ। तो इसके साथ में हमें यहाँ पर एडिशनल 4 बैटरी भी मिलती हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये एक बार चार्ज हो जाता है तो लगभग 1.5 घंटे का बैकअप देता है। अगर आपको कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो आप दोनों बैटरी इसको चार्ज करके ले जा सकते हैं, जिससे कि आपका जो बैकअप है वो तकरीबन 3 घंटे के आसपास तकरीबन चला जाएगा। तो और इसके साथ में हम देख लेते हैं, देखिए गाइस यहाँ पर एक और जो है वो केबल दी गई है, ये आपकी वीडियो आउटपुट की केबल है। एंड गाइस फाइनली यहाँ पर ये कैमरा है, इसमें मेमोरी फोन वाली गल है, वो कार्ड आवा 10 मीटर का। तो गाइस ये इस तरीके से कुछ यहाँ पर कैमरे का इंटरफेस है, जो कि आपने पहले भी देखा होगा। ये यहाँ पर जूम करने के लिए आप यहाँ से भी जूम कर सकते हैं और साथ में यहाँ से भी जूम कर सकते हैं। ये इसकी डिस्प्ले है, जो कि टिल्ट होती है, सिर्फ ऊपर नीचे जाती है लेकिन साइड में नहीं जाती। तो ये इस तरीके से आप इसे लो एंगल से हाई एंगल से ले सकते हैं, आपको ऐसे करके लेना है तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर ये मूव हो जाती तो काफ़ी अच्छा लगता। साथ में इसका ये ग्रिप यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर आपको HDMI केबल और AV आउटपुट का जो है वो मिल जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ एनेबल है, साथ में वाईफाई है, और आप इसे इसमें NFC भी दिया गया है। तो चलिए इसका मेमोरी कार्ड देखते हैं। तो अब हम इसकी जूमिंग पावर को टेस्ट कर लेते हैं, साथ में हमें इसकी ऑडियो कैपेबिलिटी का भी पता चल जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये टावर हमारे घर से काफ़ी दूर है, कम से कम 1/2 किलोमीटर दूर के आसपास है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ साफ ये यहाँ पर जो है वो दिख रहा है। और यहाँ पर बता दूँ कि लाइटिंग भी काफ़ी कम है। तो चलो देखते हैं, ये आप अभी देख पाओगे कि ये टावर जो है वो हमारे यहाँ से कितनी दूर है। वो घर आप जो देख रहे हैं वो काफ़ी दूर है वो घर, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। ये देखिए ये घर हमारे यहाँ से इतनी ज़्यादा दूर है वो टावर, आप देख सकते हैं। तो जूमिंग कैपेबिलिटी तो इसकी माननी पड़ेगी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए वो घर यहाँ से काफ़ी दूर है। सो गाइस आपने वीडियो सैंपल देखे, आपने फोटोज़ देखे, मैंने आपको जूमिंग टेस्टिंग भी करके दिखाया। एंड गाइस अभी जो आप ये देख रहे हैं ये इसी कैमरे से शूट हो रहा है, आपके सामने है जो भी क्वालिटी है। लेकिन गाइस फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आप यूट्यूब के लिए या फिर वीडियो ब्लॉगिंग के लिए इस कैमरे को परचेज करना चाहते हैं तो गाइस ये एक घाटे का सौदा होगा। जी हाँ गाइस, घाटे का सौदा होगा, क्योंकि ना तो ये प्रॉपरली एक्सपोजर कर पाता है, ना प्रॉपरली ये फोकस कर पाता है। एंड गाइस सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि ये जो कलर इसको कैप्चर करने चाहिए वो कलर नहीं कर पाता। गाइस ये फोटोग्राफी के लिए तो कुल मिलाकर ठीक ठाक ही है, फोटोग्राफी के लिए तो ये ठीक ठाक है, लेकिन वीडियोग्राफी के लिए तो ये कैमरा एकदम पुअर है, इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल पुअर है। और गाइस मैं आपको सलाह दूंगा कि ये कैमरा बिल्कुल भी ना खरीदे,
क्योंकि 15,000 रुपए के आसपास आपको ये कैमरा पड़ता है। थोड़े बहुत पैसे और लगाकर आप DSLR ले सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करूंगा कि ये कैमरा तो आप बिल्कुल भी नहीं खरीदोगे। सो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और मेरे भाई यूट्यूबर इस कैमरा को बिल्कुल भूल कर भी परचेज ना करें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।